ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपनी स्कूल टीचर से ही प्यार हो जाता है, और अपनी टीचर को पाने के लिए वो किस हद तक चला जाता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये मूवी हिंदी डब में देखनी है तो कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारी चैनल ज्वाइन करके ये मूवी देख सकते हो। तो मूवी की शुरुआत एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है जिसका नाम लाना होता है, जो कि एक मैरिड वुमन थी और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम राशा होता है। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहां पर बेनी नाम का एक शरारती लड़का भी पढ़ता था, जो लाना के क्लास में पढ़ाते वक्त सिर्फ उसे ही देखता रहता था, मानो जैसे वो लाना को प्यार करने लगा हो। ये देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। कभी कभी तो बेनी लाना के इतना करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था, इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए जितना हो सकता उतना उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुंचकर अपनी सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांटती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि बेनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और उसी की तरफ देखे जा रहा है, पर लाना उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। क्लास के बाद वो अपनी बेटी राशा को स्कूल से लेने जाती है, तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है जो अपने डॉग को टहला रहा था। थोड़ी देर बेनी को देखने के बाद वो वहां से चली जाती है। अगले दिन लाना जब पढ़ा रही होती है तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो शुरू क्लास में अपना मोबाइल देख रही थी। तभी लाना उसे डांटती है और फोन को अपने बैग में रखने को कहती है, पर वो दोनों नहीं सुनती। तब लाना उनसे उनका फोन मांगती है और कहती है कि वो क्लास के बाद उनका फोन लौटाएगी। तभी फोन देते हुए वो लड़की लाना को गाली देती है, जिसे सुनकर क्लास के सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। तब लाना उस लड़की को डांटती है और क्लास से बाहर निकाल देती है। उसके बाद जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही थी तभी अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है, जो उस लड़की को परेशान कर रहा था जिसने लाना को गाली दी थी। बेनी उसके बैग से सारा सामान निकालकर फेंक देता है और उसकी साइकिल को भी पटक कर खराब कर देता है। ये देखकर लाना को समझ में नहीं आता कि आखिर वो करना क्या चाहता है। अगले दिन लाना क्लास के बाद बेनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। वो उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। वो उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं, पर बेनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उल्टा लाना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। लाना उससे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और ये भी कहती है कि उसे अपनी क्लास की लड़की के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर उसे समझाते हुए वो उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि उसे कोई मदद चाहिए तो बताए, पर बेनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है तो वो तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बेनी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम सचमुच मेरी कोई मदद करना चाहती हो। लाना कहती है कि उसे उसके फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बेनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें करने की जगह वो सच बताए कि वो उससे क्या चाहती है। तब लाना को कोई जवाब नहीं सूझता तो वो मीटिंग का बहाना करके वहां से चली जाती है। अगले दिन जब लाना स्कूल आती है तो क्लास के बाद वो देखती है कि बेनी का बैग जमीन पर पड़ा था। वो आसपास देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर सूंघती है और वापस बैग में रख देती है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है। तभी वहां पर बेनी आ जाता है। वो बेनी को देखकर नर्वस हो जाती है। तब बेनी उसका फायदा उठाकर उसके बाएं संतरे को पकड़ लेता है और उसे जोर से दबाने लगता है। तभी लाना उसका हाथ हटा देती है, पर बेनी मुस्कुराते हुए दोबारा वही हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है। लाना उसकी बाहों में खो जाती है, पर तुरंत ही होश में आकर उसे रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए, और उसे धमकी देती है कि वो इसके लिए उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। पर जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है बेनी कहता है कि तुम ये सब करना चाहती हो फिर भी क्यों खुद को रोक रही हो, पर लाना कहती है कि वो अपनी किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल में जाते हुए बेनी लाना से कहता है कि वो क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, पर वो मिलने से इनकार कर देती है। लाना कहती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था इसके लिए वो शर्मिंदा है और वो कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दें। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। स्कूल छूटने के बाद लाना पार्किंग लॉट में जाकर देखती है कि उसके कार का साइड मिरर टूटा हुआ था और उसके कार पर स्क्रैच लगे हुए थे। उसे पता था कि ये बेनी ने किया है। उसके बाद लाना अपने घर जाती है, तब उसका हस्बैंड वार्ड उससे पूछता है कि उसकी कार को स्क्रैच कैसे लगा, तो वो कहती है कि वो एक स्ट्रीट लाइट से टकरा गई थी। वार्ड उससे पूछता है कि स्ट्रीट लाइट से इस तरह के स्क्रैच कैसे हो सकते हैं, तो लाना यहां पर उसकी बात को टालकर चली जाती है। अगले दिन लाना क्लास में अपने स्टूडेंट्स को एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कुछ भी पूछना है क्या। इस पर बेनी हाथ उठाकर उससे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे हेड मिस्ट्रेस के पास जाते देखा था। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है। तब लाना कहती है कि वो हेड मिस्ट्रेस को उसकी रिपोर्ट करेगी। इस पर बेनी कहता है कि लाना को हेड मिस्ट्रेस के तलवे चाटना पसंद है। उसकी बात पर लाना को गुस्सा आता है
और वो उसके बैग को उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और उससे कहती है कि या तो वो क्लास के बाहर चला जाए या फिर मैं खुद चली जाऊंगी। इसी बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ डस्टर उठाकर फेंकता है जो लाना को लगते लगते बचता है। ये देखकर लाना क्लास के बाहर चली जाती है और सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं। अगले दिन जब लाना घर पर राशा को पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार बजने लगता है, पर जब भी लाना फोन उठाती है दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। उसके बाद जब लाना स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बेनी को क्लास में अकेला बैठा देखकर वो डर जाती है, इसलिए स्कूल की प्रिंसिपल को जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसके बाद वो घर चली जाती है। अगले दिन राशा को स्कूल में छोड़ने के बाद वो काम पर नहीं जाती क्योंकि उसे बेनी से डर लगने लगा था, इसलिए वो म्यूजियम में चली जाती है। वहां पर अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है। उसे वहां देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर बेनी भी उसका पीछा करता है और जैसे ही लाना लिफ्ट में जाती है बेनी भी उसके साथ अंदर चला जाता है। बेनी लाना से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था इसलिए स्कूल नहीं गया। फिर वो उसके संतरे को छूने के लिए आगे बढ़ता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे दो बार किस करने की कोशिश करती है, पर बेनी उसे रोक देता है और बेनी अपनी उंगलियों को उसके प्राइवेट पार्ट पर फिरोने लगता है। अब यहाँ पर लाना भी घपाघप करने के मूड में थी, पर बेनी यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करता। उस रात लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वो घबरा कर जाग जाती है, और ये सब बेनी की वजह से हुआ था, इसलिए अगले दिन वह चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में चली जाती है और वहां से एग्जाम पेपर चुरा कर जब सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए जाते हैं तो बेनी को फंसाने के लिए लाना वो पेपर्स उसके कोट में रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठी दूसरी टीचर से बात करते हुए देखती है कि कुछ सिक्योरिटी बेनी को पकड़ कर ले जा रहे थे क्योंकि एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना बेनी को मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती हैं। उसके कुछ दिन बाद लाना और राशा एक बुक स्टोर में जाते हैं जहां राशा को अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए बुक खरीदनी थी, पर वहां जाकर राशा कपड़े से बना हुआ एक खिलौना लेने की जिद करने लगती है और लाना उसे मना कर देती है। थोड़ी देर में राशा कहीं गायब हो जाती है। लाना बहुत डर जाती है इसलिए सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है कि बेनी उन दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वो राशा को स्टोर से बाहर निकलते देखकर पैनिक हो जाती है, पर तभी उसे वार्ड का फोन आता है कि राशा उसके साथ घर पर है और लाना वहां से घर चली जाती है। उस रात जब सभी सो रहे होते हैं तो उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है जो उसका भ्रम था। वो बाहर जाकर चिल्लाती है तो वो आवाज शांत हो जाती है। फिर वो दरवाजा लॉक करके इमेजिन करती है कि वो बेनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इसी तरह बीत जाती है और सुबह वार्ड के आ जाने से उसका सपना टूट जाता है। वार्ड और लाना एक दूसरे को हग करते हैं और इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बेनी के घर पहुंचती है। वो थोड़ी दूर पर अपनी कार पार्क करके बेनी का वेट करती है और जब वो अपने स्कूटर में आता हुआ दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करती है। लाना उसका पीछा करते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो अपने कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बेनी के स्कूटर को टक्कर मारकर उसे स्कूटर से गिरा देती है। फिर अपनी कार को पार्क करके थोड़ी देर के बाद वो कार से बाहर निकलती है और इससे हमें पता चलता है कि बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, यहां तक कि उसकी जान भी ले सकती थी। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मूवी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रोमांटिक बॉलीवुड मूवी हिंदी डब में देखनी है तो हमारी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना।